हेलो एवरीवन, क्या हाल आप सभी का। भाई आज मैं बताऊंगा आपको केवीएस के रिजल्ट की अपडेट क्या है। भाई देखो भाई, सबसे पहले तो एक हम पीआरटी का जानेंगे और फिर टीजीटी पीजीटी और मिसलेनियस का। इसका तो भाई आपका रिटर्न का रिजल्ट आना है और उसका इंटरव्यू का रिजल्ट आना है, तो ध्यान से देखिए। भाई पीआरटी की बात करें तो आपको पता है कि पीआरटी का मैटर अटका हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। कौन सा? डीएलएड वर्सेस बीएड वाला, जिसकी हेयरिंग होनी थी भाई 17 तारीख को हेयरिंग होनी थी, जिसकी 17 जुलाई को हेयरिंग होनी थी और जिसमें ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्धा बोस एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एस वेंकट नारायण भट्टी, ठीक है भाई, इनकी थी भाई। अच्छा भाई, इसका केस का देखो आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे लिखना है सुप्रीम कोर्ट केस स्टेटस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट केस स्टेटस लिख दोगे आप, वहां पर जाके आपको क्या करना है, वहां पर डायरी नंबर पूछेगा, तो डायरी नंबर में ये लिख देना 19370। ईयर पूछेगा, साथ में ईयर का होगा तो वहां पे 2023 डाल देना। वो एक कैप्चा बोलेगा, कैप्चा भर देना, तो आपको एक खुद से विद प्रूफ निकल के आ जाएगा भाई किस में क्या चल रहा है, ठीक है। तो आपके आपके सामने होगा, ठीक है भाई। अब ध्यान से समझना, इसमें क्या था मेरे भाई, इस केस का नंबर है 000556। अब ध्यान से समझना, पीआरटी वाला मैटर अटका हुआ है डीएलएड वर्सेस बीएड का, जो केस हो रखा है वो अटका हुआ है। अब देखो केवीएस पीआरटी का रिजल्ट जब आएगा, जब इसका फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगा, ये एलिजिबल है नहीं। आपको पता है कि दो लिस्ट बना रखी है केवीएस वालों ने, एक विद बीएड एक विदाउट बीएड, तो वो तो भाई उसी दिन पब्लिश कर देंगे। आप ये यकीन मानो कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर सुबह आ गया रिजल्ट तो शाम तक वो पब्लिश कर देंगे, अगर वो शाम को आ गया तो फिर वो अगले दिन, उससे अगले दिन ही रिजल्ट पब्लिश कर देंगे। अब ध्यान से समझना, इसका जो हेयरिंग होनी थी मेरे भाई, वो हेयरिंग होनी थी 17 जुलाई 2023 को, बट अब 15 तारीख को इसका आया एक नोटिस आया है, जिसमें यू बोला गया है कि नोट होल्डिंग कोर्ट ऑन 17 जुलाई 2023, क्योंकि इसमें जो जस्टिस अनिरुद्धा बोस हैं वो छुट्टी पे चले गए, जिस कारण ये हेयरिंग हो ही नहीं पाई। अब ये हेयरिंग हो ही नहीं पाएगी तो इसलिए ये स्टैंड्स एडजर्न, भाई इसको स्थगित कर दिया गया है, ठीक है भाई। तो ये चीज़ होएंगी। अब एक चीज़ ध्यान से समझना, तो पीआरटी की रिजल्ट अपडेट क्या है कि मेरे भाई, सबसे पहले तो ये 17 तारीख वाली हियरिंग थी वो भी एडजर्न हो चुकी है, उसको स्थगित कर दिया गया है, वो नहीं होने वाली, ठीक है मेरे भाई। और खुद से चेक करना हो तो भाई डायरी नंबर ये रहा 19370 2023, ईयर है, सुप्रीम कोर्ट स्टेटस, गूगल पे जाना, खुद से कर लेना, किसी की वो नहीं, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक आगे, ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया पीआरटी वाला। अब मेरे भाई जो टीजीटी पीजीटी वाला मिसलेनियस जो पोस्ट का है उसको समझते हैं भाई। उसमें क्या है मेरे भाई कि उसमें भी आप क्या करना, सुप्रीम कोर्ट के स्टेटस पे जाना, वहां पर डायरी नंबर है 24922 और ईयर क्या है 2023। भाई ये केस फाइल हुआ था 23 जून 2023 को, इसको अभी फिलहाल डिफेक्ट लिस्ट में डाला गया है। डिफेक्ट लिस्ट का मतलब क्या होता है कि जब इन्होंने केस फाइल करा तो इन्होंने दावे पेश करे होंगे कि ये बात बोली होगी, ये बात बोली होगी, तो उसके लिए ना जो कोर्ट होता है वो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स मांगता है भाई, डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। तो वहां पर आप देखोगे तो इनके में डिफेक्ट्स में जाओगे तो बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, तो इनको वो डिफेक्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे। अगर ये डिफेक्ट्स को क्लियर कर देंगे तो डिफेक्ट्स रिमूव हो जाएंगे। अगर कोई को जो केस है वो 90 दिन तक वैलिड रहता है डिफेक्ट, अगर वो डिफेक्ट लिस्ट में है उसको, उसमें कुछ डिफेक्ट है तो 90 डेज तक वैलिड रहता है। अगर वो 90 डेज में अगर अपना डिफेक्ट रिमूव नहीं कर पाए तो फिर वो जो केस है वो क्वैश हो जाएगा। तो इनको बोला गया है कि जिसे इन्होंने बोला गया है एपटेक कंपनी वॉज ब्लैक लिस्टेड, तो उनके सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं और भी चीज़ें इन्होंने बोल रखी है, काफ़ी सारे डिफेक्ट्स आप खुद जाके देख सकते हैं। तो इनको सबसे पहले तो वो क्लियर करने पड़ेंगे, मेरी ये बात क्लियर होगी भाई, ठीक है भाई। अब ध्यान से समझना, अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो जैसे कि अभी चल रहा है कि प्रमोशन वगैरह होने के बाद, ट्रांसफर के बाद, तो देखो वो बात भी है, पर केस का पूछो तो केस भी चला हुआ है। जनरली ऐसा होता है कि भाई जो भी रिक्रूटिंग एजेंसीज होती हैं वो ट्राई करती हैं मेरे भाई कि उन पे, उनकी वैकेंसी पे कोई केस ना चले। अगर वो केस चल रहा है तो पहले वो चाहती हैं कि वो केस, उस केस की कोई वर्डिक्ट आ जाए भाई, जैसे वो या तो उस वो सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या बोलता है उस चीज़ पे कि भाई उसको एक्सेप्ट करता है या फिर उसको क्वैश करता है, कुछ खारिज कर देता है, तो उसके बाद ही वो अपना फाइनल वो जो जो आपका रिजल्ट वो डिक्लेयर कर रही है, ठीक है मेरे भाई। तो ये बात होगी इसकी भाई, केस स्टेटस खुद जाके चेक कर सकते हो।
अब बात आती है भाई मेरे इंटरव्यू की प्रिपरेशन। भाई साहब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पिछली वीडियो बनाई केवीएस पीआरटी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो उसमें सबसे ज़्यादा भाई मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी भाई इतनी है, 130 बताई यूआर की। भाई अब उसमें क्या है, 129 वाला पूछ रहे तैयारी करें, 110 वाला पूछ रहे तैयारी कर। अरे मेरे भाई एक बात समझना, इंटरव्यू की तैयारी होती क्या है, देखो कंडीशंस के हिसाब से समझो। एक एक बंदा वो है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप वर्किंग हो, आप स्कूल में जा रहे हो, आप कहीं भी पढ़ा रहे हो, तो भाई आप पढ़ा रहे हो तो भाई वो एक वो आपकी हो तो रही है तैयारी, वहाँ पे क्या करना है आपको, यही तो करना है। आपसे पढ़वाएंगे डेमो टीचिंग, अगर वो आप कहीं पढ़ा रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं तैयारी की। साथ के साथ आप क्या कर सकते हो, मैंने बोला इंट्रोस्पेक्ट करो भाई, अपने आप को जानो, तो उसके लिए कोई तैयारी नहीं होती, आपको अपने आप को ही जानना पड़ेगा और आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, ठीक है मेरे भाई। अच्छा भाई जो दूसरा बंदा है भाई, जो जो जॉब नहीं कर रहा उसको, उसके लिए ज़रूरी है, वो क्या करे भाई, सबसे पहले तो भाई आसपास देखो, कहीं स्कूलों में इंटरव्यू दे के आए, ठीक है, या फिर कोई ट्यूशन वगैरह पढ़ाना स्टार्ट करे जिससे डेमो टीचिंग की प्रैक्टिस हो मेरे भाई, ठीक है भाई। अच्छा एक और भाई जिसको साथ के साथ वो क्या कर सकता है भाई, अपने सब्जेक्ट कंसर्न पे भी थोड़ा सा फोकस करे भाई। अब वो क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक, लाइक फॉर एग्जांपल आपको जाके वहाँ पे बोल दिया कि भाई इधर आओ, लेट अस सपोज अब आप प्रोनाउन पढ़ाओ, तो भाई पहले प्रिपेयर करो ना खुद से ही, और ये आना भी चाहिए, ये प्रोनाउन तो आपके वैसे भी काम आएगा, ठीक है, सिलेबस का ही है तो सिलेबस की चीज़ तो पढ़नी है, तो पढ़ लो मेरे भाई, ठीक है। अच्छा साथ के साथ आप क्या कर सकते हैं भाई, चंडीगढ़ का जेबीटी के जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब इसका फॉर्म निकलने वाला है, 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप चंडीगढ़ जेबीटी देखो, इसमें देखो बच्चों को ध्यान से समझना, एक बिहार की आई हुई है पीआरटी वाली जिसमें 80,000 भाई साहब बहुत पोस्ट है, बहुत ज़्यादा। अब ध्यान से समझना, जो बिहार वाले बच्चे हैं वो तो इस पर फोकस करेंगे, साथ के साथ जो यूपी वाले हैं भाई तुम्हारे बॉर्डर टच में ही है तो वहाँ पे भी तुम इस पर फोकस कर सकते हो, साथ के साथ जब तक नहीं आता इस पर फोकस करो बढ़िया। अच्छा मेरे भाई चंडीगढ़ को कौन फोकस कर सकते हैं भाई, हरियाणा वाले, दिल्ली वाले, भाई तुम्हारे लिए तो मौज है, तुम्हें केवीएस में कहीं जाना इससे बढ़िया चंडीगढ़ में यहीं पर रोपास के पास। अच्छा आगे बात करें राजस्थान राजस्थान साइड वाले, तो उनके लिए भाई जैसे उन्हें दिल्ली कल को आना था, जो चाह रहे थे भाई दिल्ली आना चाह रहे हैं, वो अपने चंडीगढ़ आ जाओ, चंडीगढ़ भी एक नंबर की जबरदस्त जगह है, ठीक है मेरे भाई। तो आप इन पे फोकस करो, इनके रिटर्न पे फोकस करो भाई, ये कंटेंट ही तो प्रिपेयर करवाएंगे, आप इनका कंटेंट पढ़ोगे तो कल को इंटरव्यू का क्वेश्चन आएगा तो उसमें से निकल तो जाएगा, तो हो जाएगा मेरे भाई। और जिसको नहीं आता भाई, जिसको पढ़ाना नहीं आता वो अपने ट्यूशंस पढ़ाने लगो या कहीं किसी स्कूल में जाके इंटरव्यू दे के आओ वहाँ से, ताकि अभी डेमो टीचिंग स्टार्ट हुई, ठीक है मेरे भाई। अच्छा अब कट ऑफ कम क्यों बताई भाई, मैंने बताई 130 यूआर की कट ऑफ, भाई हजम ही नहीं हो रही किसी को भाई, सबका कहना है 150 जाएगी भाई, 180 में से 180 जाएगी बस, अब खुश कोई सेंसिबल बात करो ना मेरे भाई, नंबर तुम्हारे किसी की है नहीं, 120 110 है, तुम कट ऑफ इतनी जाएगी 150 160, अरे कैसे जाएगी मेरे भाई। एक बात ध्यान से समझ, लाइब्रेरियन में देख, एग्जांपल के साथ बोलता हूँ मैं, लाइब्रेरियन की कट ऑफ गई 151 या 152 के समवट थी यूआर की, अब मेरी बात ध्यान से समझना, यूआर की कट ऑफ थी अनरिजर्व्ड की भाई साहब, इसमें सीट्स भी कम थी, टोटल बच्चे भी भाई इससे ज़्यादा फर्जीवाड़ा किस में हुआ, किसी में नहीं हुआ भाई लाइब्रेरियन। अब बात ध्यान से समझना, लाइब्रेरियन में 151-152 कट ऑफ गई थी यूआर की, जिसमें ध्यान से समझना, अब बात ध्यान से समझना, लाइब्रेरियन की इतनी कट ऑफ गई जिसमें लगभग मैक्सिमम बच्चे कितने ही उठाए थे, सिर्फ 1500 बच्चे उठाए थे मैक्सिमम केस में, ठीक है। अच्छा इसमें यूआर में तो थोड़े से ही होंगे जो 151 वाले, बाकी तो जैसे ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, उनकी तो कम कट ऑफ गई थी, पर मैं एक मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ कि यूआर की 151 कट ऑफ गई थी, इसमें टोटल बच्चे जो उठाए थे, टोटल जैसे 151 तो यूआर की थी, बाकियों की तो कम कम गई थी, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, इसमें इतने उठाए थे, अब एक चीज़ समझना, यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा क्यों गई मेरे भाई, इसके पीछे का रीज़न समझो, इसके पीछे का रीज़न है भाई, ये लाइब्रेरियन वगैरह ना मिसलेनियस पोस्ट है, इनके लिए सीटेट क्वालिफाई करना तो ज़रूरी होता नहीं मेरे भाई, तो ऐसा होता है इनका, जो इनकी जो ये डिग्री होती हैं, लाइब्रेरियन हुई, फिजिकल एजुकेशन हुई, इनकी डिग्रियां भाई साहब फर्जी यूनिवर्सिटी बना देती है, ठीक है मेरे भाई, तो वो फर्जी यूनिवर्सिटी बना देती है, क्योंकि उनको तो हाथ की हाथ आपकी डिग्री दे देते हैं, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं, ना इनको सीटेट देना होता, तो कोई कितनी बड़ी उम्र का हो ये सीधा डिग्री बनवाते हैं और अपना पेपर दे लेते हैं और पेपर में सेटिंग करवा के आ जाते हैं नंबर। वहीं आप कंपेयर करो पीआरटी से, पीआरटी में सीटेट होना पड़ता है भाई, तो बीएड वहीं कंपेयर करोगे, बीएड या आपकी जेबीटी डीएलएड जिसे बोलते हैं, वो हालांकि कम होते हैं, हाथ की आठ डिग्री इनमें कम मिलती है एज कम्पेयर टू मिसलेनियस पोस्ट,
ठीक है, मिसलेनियस पोस्ट में से लाइब्रेरियन की डिग्री हाथ किया हाथ आ गई, क्योंकि इनके एक एक साल की डिग्री होती है, एक साल की या डिप्लोमा इनका कम का ही होता है, ठीक है। और वहीं कंपेयर करो बीएड या डीएलएड की, तो वहाँ पर अगर आप मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपकी 2 साल की होती है, और फिर उसके बाद सीटेट भी देना जरूरी होता है, तो सीटेट क्वालिफाइड होता है। यहाँ पर कम चांसेस होते हैं कि फालतू वाली लोगों का, ठीक है, ये थोड़ा इजी था। अच्छा, अब यहाँ पे हैकिंग भी हुई हो, मानना सब कुछ हुआ होगा मेरे भाई, पर 18,000 बच्चे मेरे भाई, 18,000 बच्चे बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए आप देखो, एक का एक मैं बोलूँ 150 कट ऑफ जाएगी, उससे होगा क्या, उससे सबका मोरल डाउन होगा, ठीक है। तुम आपको ये लगेगा नौकरी हमारे लिए है ही नहीं, अरे भाई जो रिजल्ट आएगा जब कर लेंगे तैयारी, मैं तो किसी को बोल रहा तैयारी करो, मैं तो बोल रहा हूँ अपने इन चीज़ों पे और एग्जाम्स पे फोकस करो और अपनी कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है मेरे भाई। तो ऐसा नहीं है भाई, 130 मैंने ठीक बताई, 18,000 बच्चे बहुत होते हैं, ठीक है भाई, थैंक यू भाई, ओके।